हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 13 फरवरी और आज है मेरा पेपर TGT हिंदी का। तो बज गए हैं 12:30, बस अब हम निकलने वाले हैं। चंडीगढ़ बना है मेरा एग्जाम सेंटर, मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो तैयारी तो होगी है जैसे तैसे करके, बट फिर भी अभी घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा कि क्या होएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पढ़ा भी नहीं है और पढ़ भी इतना कुछ लिया। अभी बहुत दिमाग में, मेरे तो पेट में गड़बड़ होने लग जाती है घबराहट के मारे। बस अभी आदि की वेट कर रहे हैं, आदि को साथ लेके जाएंगे। तो फिर मिलते हैं, आपसे बताती हूँ कैसा हुआ पेपर, कैसे क्या क्या क्वेश्चन आए। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी भी रिवीजन टाइम ये चल रहा है। बड़ा मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो दिमाग घूम जाएगा। फिर रात को भी मैं 2:30 बजे सोई थी और पता नहीं पढ़ते पढ़ते अपने आप ही आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैं उठी हूँ, फोन फोन बंद किया है मैंने, मुझे पता ही नहीं चला। अभी इतनी घबराहट हो रही है ना बहुत ज़्यादा। अभी विशाल को फोन करती हूँ, फिर हमने जाना है। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं पेपर देने के लिए। आदि भी जा रहा है मेरे साथ, बट आदि अपने पापा के साथ वापिस आ जाएगा। हम पहुंच गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर। चलो फिर अब पेपर देने जा रहे हैं। आदि मम्मा को बेस्ट ऑफ लक बोल दो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चलो फिर चलें। मैंने आदि को बोला था कि मेरी वीडियो शूट करना जब मैं पेपर देने जाऊंगी, पर वो अपनी ही वीडियो रिकॉर्ड करने लग गया। तो फ्रेंड्स, हो गया है मेरा पेपर, छोटी सुई छह बजे और बड़ी सुई आदि मेरा फोन कर रहे हैं ना, तंग कर रहे हैं। 45 पे या 9 पे तो पहुंच जाएंगे हम। चलो फिर घर जाके मैं आपको बताती हूँ पेपर कैसा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो फ्रेंड्स, बज गए हैं 10:15। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। जैसे ही मैं पेपर दे के आई, मैंने सिर्फ चाय पी है और उसके बाद मैं किचन में लगी हूँ खाना बनाने के लिए। और अब बर्तन धो के सबको खाना खिला के अब जाके फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा चलो वीडियो कंटिन्यू करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा पेपर कैसा हुआ। तो फ्रेंड्स, पेपर तो मेरा बहुत अच्छा हुआ है, खास करके मेरा सब्जेक्ट वाला पार्ट बहुत अच्छा गया है। सारा का सारा पेपर एनसीईआरटी से आया था, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का नहीं था। मतलब मैंने तो अच्छे से की हुई थी एनसीईआरटी, तो मुझे अच्छा लगा अपना सब्जेक्ट पार्ट देख के। तो और रही व्याकरण, व्याकरण भी इजी थी। मतलब उसमें अलंकार नहीं आए थे, सिर्फ संज्ञा से क्वेश्चन थे, एक विशेषण से क्वेश्चन थे और दूसरे थे तत्सम से क्वेश्चन आया हुआ था, और एक था क्या कहते हैं समास से क्वेश्चन थे। मतलब ठीक था पेपर। तो मेरा सब्जेक्ट वाला पोर्शन तो काफी अच्छा हुआ, मुझे देख के पेपर बड़ा रिलैक्स फील हुआ था। नहीं तो मेरा तो सुबह से मुझे टेंशन हो गई थी, घबराहट होने लगी थी, सिर में भी दर्द हो रहा था, बट पेपर देख के रिलैक्स फील हुआ। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, एक आया हुआ था कि सिंधी भाषा में किसे साहित्य का अवार्ड मिला था, वो मुझे नहीं आता था। और एक था वीमेंस डे पे आया हुआ था, तो मतलब कौन सा वीमन डे के सप्ताह थे, मतलब 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, वो भी नहीं मुझे आ रहा था। एक क्वेश्चन मुझे ठीक लगा जो मुझे आता था करंट अफेयर्स में, और 2-3 क्वेश्चन थे जो जीके के थे, मतलब मिक्स मिक्स थे जीके और करंट अफेयर्स, तो ठीक था। कंप्यूटर इजी था, रीजनिंग इजी थी, मुझे आते थे क्वेश्चन रीजनिंग के, तो मुझे पांचों के पांचों क्वेश्चन मुझे आते थे, हो गए थे क्वेश्चन रीजनिंग के। अब आते हैं पैडागोजी पे। पैडागोजी थी जो मिक्स मिक्स थी, ये नहीं कह सकते कि इजी थी, ये नहीं कह सकते थे हार्ड थी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थी, पर थोड़ी सी मुझे टफ लगी पैडागोजी को। आप इतना भी मतलब मुश्किल नहीं कह सकते कि वहां पे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, मतलब ठीक थी, इजी टू मॉडरेट थी। बस अब यही था। तो ओवरऑल पेपर ठीक गया मेरा, थोड़ी शांति मिली है। लेकिन अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है पीआरटी की, तो 21 को हो सकता है पेपर। देखो अभी 19 या 20 को पता चल जाएगा कि मेरा पेपर कब है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा पेपर थोड़ा सा लेट होए, पर वो ये हमारे जाने से कुछ भी नहीं होता है।
अभी मेरे पास सिर्फ 7 दिन है और 7 दिन में मुझे ईवीएस और मैथ अच्छे से पढ़नी है और साथ साथ इंग्लिश भी, क्योंकि इस बार इंग्लिश और इंग्लिश भी 30 मार्क्स की आएगी और हिंदी भी 30 मार्क्स की आएगी, ईवीएस 20 मार्क्स की और मैथ 20 का, तो पैडागोजी 60 मार्क्स की आएगी। तो अब ये वाले इन सारे पार्ट पे मुझे अच्छे से अब तैयारी करनी है। देखा जाए तो इंग्लिश, हिंदी और पैडागोजी की तो मेरी अच्छे से रिविजन हो रखी है, बस मुझे ईवीएस और मैथ अब करना है अच्छे से। और हाँ फ्रेंड्स, टीजीटी हिंदी में ना तो महाभारत से, रामायण से, ना भारत एक खोज से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए, सिर्फ क्वेश्चन आए हैं बस जो 6 से लेके 10 तक की बुक्स की, जो बसंत भाग 1, 2, 3 और क्षितिज भाग 1 और 2 से कृतिका से आए हैं, वो भी कृतिका से भी लेखकों की रचनाओं के बारे में आए थे। तो मैंने इन्हीं की तैयारी की थी, मैंने रामायण, महाभारत और भारत एक खोज एक बार पढ़ी थी बस, क्योंकि मैंने ज्यादातर डिपार्टमेंटल का जो पेपर हुआ था उससे आइडिया लिया था और उसी हिसाब से मैंने तैयारी की थी। तो आगे की तैयारी भी वैसे ही करनी है पीआरटी की अब। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ, कमेंट करके जरूर बताना मुझे। और ये भी बताना कि क्या आप लोगों ने पीजीटी या पीआरटी के लिए किसके लिए और तैयारी कर रहे हैं आप। मैंने तो सिर्फ पीआरटी का फिल किया, मैं पीआरटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो चलिए फिर मैं अपनी वीडियो का एंड कर देती हूँ। अब वैसे तो मुझे दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊं, लेकिन नहीं, अगर आज सोगी तो मुझे एक दिन मेरा मतलब और कम हो जाएगा पढ़ाई का, इसलिए मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ी देर और। 21 के बाद तो फिर 21 को या फिर जब भी पेपर होगा उसके बाद, तो फरवरी के बाद लगा लीजिए, फरवरी के बाद तो फ्री है, फिर आराम से सोएंगे, जो दिल करेगा वो करेंगे। चलो अब ये थोड़े दिन रह गए, अच्छे से मतलब पढ़ लेती हूँ। ये देखो मेरी आंखें भी बंद हो रही है कंप्यूटर पे देख देख के, वहां पे पेपर करते समय सिर दुखने लग गया था, अभी मैंने मेडिसिन ली है। चलो मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, सोच रही हूँ मैं मैथ की क्लास लगा लूँ, मैथ पढ़ लेती हूँ और ईवीएस के चैप्टर रिवाइज कर लेती हूँ। चलिए फिर फ्रेंड्स, ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पेपर कैसे हुआ है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।